अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, वो टू पाथवेज को फॉलो करती है। एक को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और दूसरे को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर यानी इस वीडियो में इसके दरमियान जो मेन डिफरेंसेस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ फोटोसिस्टम वन फंक्शनल होता है, फोटोसिस्टम टू स्टॉप होता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू दोनों फंक्शनल होते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन नहीं होती। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों जनरेट हो जाते हैं, दोनों की प्रोडक्शन होती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में नो फोटोलिसिस, फोटोलिसिस नहीं होती। फोटोलिसिस का क्या मतलब है? फोटो का मतलब है लाइट और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू टू हाइड्रोजन आयन और टू प्रोटॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोलिसिस नहीं होती, यानी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं होती। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोलिसिस होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये रिलीज नहीं होता। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है टू द एटमोसफेयर। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोलिसिस नहीं होती, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं होती, तो ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोलिसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, तो नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब हम आते हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को साइक्लिक क्यों कहा जाता है और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को नॉन साइक्लिक क्यों कहा जाता है। देखो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोसिस्टम वन जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फोटोसिस्टम वन से टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं पी ईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। पीईए से चले जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं फोटोसिस्टम वन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो साइक्लिक पाथवे को फॉलो करती हैं, यानी फोटोसिस्टम वन से रिलीज हो जाते हैं और फोटोसिस्टम वन में फिर वापस आ जाते हैं, तो इसलिए इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोसिस्टम टू जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। पीईए से वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फोटोसिस्टम वन में। फोटोसिस्टम वन जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं पीईए में, पीईए से चले जाते हैं एनएडीपी में। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग हो जाती है, जो फोटोलिसिस हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं
फोटोसिस्टम टू में, यानी फोटोसिस्टम टू में जो टू इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हुआ था, टू इलेक्ट्रॉन का गैप वो कंप्लीट हो जाता है। तो यह पर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो साइक्लिक पथवे को फॉलो नहीं करती, यानी फोटोसिस्टम टू से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं फोटोसिस्टम वन में, फोटोसिस्टम वन से जो रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं एनएडीपी में, और वाटर से जो रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं पीएस2 में, फोटोसिस्टम टू में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो साइक्लिक पथवे को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।